बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलाइड स्कूल यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 5। सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डील यूनिट नंबर 3 एंड द टॉपिक इज़ फ्रैक्शन। वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3B। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू What are the students' learning outcomes? After watching this lesson, students will be able to multiply a fraction by a number, another fraction, and we will solve question 4, 5, 6, 7, 12, 13, and 16. At first, we will clear the concept of multiplication of a fraction by a whole number. That how can we multiply a fraction by a whole number? We can solve this by repeated addition. For example, हमारे पास जो first example है, हमारे पास उसमें whole number 3 है। 3 को हम multiply करेंगे fraction के साथ, और fraction क्या है हमारे पास? 1/4। Repeated addition mean कि हम इस fraction को जिस भी whole number के साथ multiply करेंगे इतने time हम इस फ्रैक्शन को ऐड कर लेंगे, और हम इसको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन क्या है? 1/4, और हमारे पास होल नंबर क्या है? 3। इट्स मीन डैट हम 1/4 को 3 टाइम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 1/4 को हमने क्या किया? एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। डायग्राम में हमारे पास क्या होता है? डिनोमिनेटर में जो हमारे पास नंबर होता है, टोटल डायग्राम के पार्ट्स हमारे पास इतने होते हैं। सपोज़ जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 था, तो हमारे पास इस डायग्राम में टोटल पार्ट्स कितने होंगे? 4। और न्यूमिनेटर में हमारे पास नंबर कौन सा है? 1। इट्स मीन डैट सेलेक्टिव पार्ट कितने हैं हमारे पास? 1। तो कलर्ड पार्ट इस डायग्राम के कितने होंगे? 1 होगा कलर्ड पार्ट। सो हमने 1/4, देन फिर हम प्लस करेंगे 1/4, इसी डायग्राम को अगेन हम रिप्रेजेंट करेंगे, देन प्लस 1/4। 1/4 को हमने 3 टाइम क्या कर लिया? ऐड कर लिया। इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर हमारे पास वही रहेगा, और न्यूमिनेटर में हमारे पास 1, 1, 1 है, तो न्यूमिनेटर को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 1+1+1। तो न्यूमिनेटर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। 3/4, हमने 1/4 को 3 टाइम ऐड किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3/4। इसको जब हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब हमारे पास सेलेक्टिव पार्ट्स कितने आ गए हैं? 3। इट्स मीन डैट कलर पार्ट अब कितने होंगे? 3। और टोटल पार्ट्स कितने होंगे डायग्राम के हमारे पास? 4। 3/4, इसको भी हमने क्या किया? डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट, वी कैन सॉल्व आवर सम्स वेरी क्विकली बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर बाय द होल नंबर। पहले तो हमने क्या किया? रिपीटेड एडिशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया, एग्जाम्पल को सॉल्व किया, बट अब हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है 2 × 3/7। इस एग्जाम्पल में हम 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास 3 है, 2 × 3 करेंगे बाय 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6, 6/7। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3B। क्वेश्चन इज दिस, वर्क आउट दीज यूजिंग रिपीटेड एडिशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है रिपीटेड एडिशन से। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 × 1/2। हमने 1/2 को 5 टाइम क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है, और इसको डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करना है। डायग्राम इसकी कैसी होगी? इसके टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने होंगे? 2 पार्ट्स होंगे, और सेलेक्टिव पार्ट कितने होंगे? 1 होगा। तो डायग्राम इसी तरह की डायग्राम भी हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। फर्स्ट डायग्राम 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसके न्यूमिनेटर में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे।
वन को फाइव टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फाइव, फाइव बाय टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर। फोर हमारे पास होल नंबर है और फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, वन बाय फोर। हम वन बाय फोर को फोर टाइम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसे डायग्राम से भी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी डायग्राम कैसी होनी चाहिए हमारे पास, वन बाय फोर। डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सा नंबर है, फोर, तो डायग्राम के टोटल पार्ट्स कितने होने चाहिए, फोर। और न्यूमरेटर में हमारे पास कौन सा नंबर है, वन, और सेलेक्टिव पार्ट कलर्ड पार्ट कितने होने चाहिए, वन। इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर। इसकी देखें डायग्राम भी फोर टाइम आ गई है। देन अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अब न्यूमरेटर में हमारे पास वन वन फोर टाइम आ रहा है, इसको हम ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे वन वन को फोर टाइम तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फोर, फोर बाय फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री मल्टीप्लाई बाय वन बाय फाइव। होल नंबर हमारे पास क्या है, थ्री, और हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, वन बाय फाइव। इट्स मीन डैट हम वन बाय फाइव को थ्री टाइम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डायग्राम भी हमारे पास होनी चाहिए, डायग्राम में डायग्राम को भी हम थ्री टाइम ऐड करेंगे। डायग्राम हमारे पास टोटल डायग्राम के पार्ट्स कितने होने चाहिए, फाइव, और सेलेक्टिव पार्ट कलर्ड पार्ट कितने होने चाहिए, वन। वन बाय फाइव प्लस वन बाय फाइव प्लस वन बाय फाइव। डायग्राम भी हमारे पास थ्री टाइम आ गई है और हमारे पास वन बाय फाइव को भी हमने थ्री टाइम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर में हमारे पास नंबर कौन सा है, वन, वन को थ्री टाइम हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, थ्री, थ्री बाय फाइव हमारे पास क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, सॉल्व द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट है हमारे पास टू बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर। इसको हम रिपीटेड एडिशन से सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास कौन सा नंबर है, टू, टू को हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, टू को जब हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एट, एट बाय थ्री इज़ द आंसर। सिंपली हमने क्या किया, न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इसका जो हम पार्ट सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन है हमारे पास वन बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन। अब हम न्यूमरेटर में हमारे पास नंबर कौन सा है, वन, वन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और होल नंबर में कौन सा नंबर है हमारे पास, सेवन, सेवन को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिनोमिनेटर थ्री है वो एज इट इज़ रहेगा, सेवन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेवन ही आंसर आ जाएगा। वन को सेवन से के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर सेवन को वन से करें, एक ही बात है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सेवन बाय थ्री। नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय होल नंबर कौन सा है, सिक्स। अब हम क्या करेंगे, वन को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। वन को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिक्स, सिक्स बाय टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉल्व द फॉलोइंग रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन है और होल नंबर जो गिवन है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, देन आपने उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है टू बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स एज इट इज़, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, न्यूमरेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टू को सिक्स के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्वेल्व, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व। और हमारे पास डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ट्वेल्व बाय थ्री। अब हम ट्वेल्व बाय थ्री को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, कि हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। कोई ऐसा नंबर है जो ट्वेल्व के टेबल में भी आ रहा हो और थ्री के टेबल में भी आ रहा हो, यस, थ्री इट्सेल्फ एक ऐसा टेबल है जो 12 से डिवाइड हो सकता है, थ्री का टेबल 12 पे जा सकता है। 12 और थ्री की हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन, और 12 के साथ जब हम थ्री की कटिंग करेंगे तो हमारे पास 12 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व।
12 की प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा 4, और 3 की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 4/1 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7/8 मल्टीप्लाई बाय 4। इसमें भी हम सबसे पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 20, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहेगा एज इट इज़ रहेगा 28/8। अब हम क्या करेंगे, 28 और 8 को भी लोएस्ट आर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कौन सा टेबल है जिसकी कटिंग हम 28 और 8 की कटिंग उस टेबल के साथ कर सकते हैं? अगर हम 4 के टेबल के साथ 28 और 8 की कटिंग करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 28 पे 4 के टेबल कितने टाइम जाता है, 7 टाइम, 4 7 28। 28 की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7, और 8 पे कितने टाइम टेबल जाएगा 4 का 2 टाइम, 4 2 8। 8 की प्लेस पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2, तो हमारे पास फुल आंसर क्या आ गया न्यूमरेटर की जगह 7 एंड डिनोमिनेटर की प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया आंसर 2, 7/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, एज इट इज़ जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए, ये भी हम ऐसे ही सेम करेंगे। न्यूमरेटर को हम होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास इसमें कौन सा नंबर है 1, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4 4/2। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट हम सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसमें भी हम न्यूमरेटर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास नंबर क्या है 1 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड बाय डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहेगा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 एंड बाय 2, 5/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द प्रोडक्ट। पहले हम क्या करते थे, फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, इस क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 1/9 को हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हमारे पास कौन सा नंबर है 1 एंड सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है 2, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास 9 है डिनोमिनेटर में और सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 3, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1 को 2 के साथ करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, और 3 को 9 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 27, 2/27। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/12, इसमें भी हमारे पास 2 फ्रैक्शन गिवन है, इन फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 3 को 5 के साथ करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम 4 को 12 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, और जब हम 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 48, 15/48 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/11 मल्टीप्लाई 3/4, इसमें भी हमारे पास 2 फ्रैक्शन गिवन है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास एक नंबर है 3, सेकंड नंबर है हमारे पास 1, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 4 के साथ, 3 को 1 के साथ करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, 11 को 4 के साथ करेंगे 11 का टेबल 4 पे लेके जाएं, 11 4 44, 3/44 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व दीज मल्टीप्लीकेशंस. फर्स्ट क्वेश्चन, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 4/7. 1/12 को हम 4/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज़ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर में कौन कौन से नंबर हैं, 1 एंड द सेकंड नंबर 4, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट नंबर इज़ 12 एंड द सेकंड नंबर 7. न्यूमरेटर में हम 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में हम 12 को 7 के साथ. 1 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4, और 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 ज़ा 84, 4/84 इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/10 मल्टीप्लाई 5/9. इसमें भी हमारे पास टू फ्रैक्शन गिवन है. फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. 1 को 5 के साथ करेंगे और 10 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5, और 10 को 9 के साथ किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 90. 5/90 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, 1/14 मल्टीप्लाई 3/4. 1/14 को आप 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे. टू फ्रैक्शन गिवन है. फर्स्ट फ्रैक्शन 1/14 एंड द सेकंड फ्रैक्शन इज़ 3/4. न्यूमरेटर में आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन में कौन सा नंबर है, 1, और सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में आपके पास कौन सा नंबर है, 3. इट्स मीन डैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 with 3. 1 multiply by 3, एंड इन डिनोमिनेटर यू हैव टू मल्टीप्लाई 14 with 4. 14 multiply by 4. 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3. डिनोमिनेटर में हम जब हम 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 ज़ा 56, 3/56 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 5/9. टू फ्रैक्शन है इस क्वेश्चन में भी हमारे पास. फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/12 एंड सेकंड फ्रैक्शन है हमारे पास 5/9. 1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को 9 के साथ. 1 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5, और 12 को 9 के साथ करेंगे, 12 9 ज़ा 108. 5/108 इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3 मल्टीप्लाई 1/2. 1/3 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 1 को 1 के साथ और 3 को 2 के साथ. 1 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6. व्हाट इज़ द आंसर, 1/6 इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5 मल्टीप्लाई 3/4. इसमें भी हमारे पास टू फ्रैक्शन गिवन है. 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, फर्स्ट नंबर 5 है, सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 नंबर है. 5 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में हम 4 multiply by 3 करेंगे और डिनोमिनेटर में 5 multiply by 4. 4 को 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12, एंड 5 multiply by 4 इज इक्वल टू 20. 12/20 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 मल्टीप्लाई 1/6. इसमें भी हमारे पास टू फ्रैक्शन गिवन है. फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. न्यूमरेटर में हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, फर्स्ट नंबर फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर का नंबर है हमारे पास 3 एंड सेकंड फ्रैक्शन का हमारे पास नंबर है 1. 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में हम 4 को 6 के साथ.
3 को न्यूमिनेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3। और डिनोमिनेटर में जब हम 4 को 6 के साथ करेंगे, 4 6 24, 3/24 इज द आंसर। होमवर्क टास्क, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 12, 13 एंड 16। फर्स्ट यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन ऑन योर रफ नोटबुक्स, देन चेक योर आंसर एंड आफ्टर दिस यू हैव टू राइट ऑन योर नीट नोटबुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।